हेल्थी रखना कितना इम्पोर्टेंट है ये आप लोग समझते ही होंगे। फ्रेंड्स, जिन लोगों को अदर बीमारी है, जैसे कि किसी को बीपी की परेशानी है, किसी को थायराइड है, किसी को डायबिटीज है, उन लोगों को अपने आप को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, खाने के तो सभी शौकीन होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं हमने तो बहुत अच्छा अच्छा खाया, बहुत हेल्दी खाया, या हमने बहुत ज्यादा खाया तो हम तो इम्यून रहेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं हो सकती। पर फ्रेंड्स, जो हमारी बैलेंस डाइट होती है वो तीन चीजों पर डिपेंड करती है। तीन चीजें क्या है? कब, क्या, कितना, यानी कि आपने किस टाइम पे कितना और क्या खाया, ये हमारी बैलेंस डाइट, ये हमारी डाइट को बैलेंस करता है। तो आप लोगों को आज मैं यही चीजें डिस्कस करूंगी कि जैसे कि आपका ब्रेकफास्ट का टाइम क्या है, जैसे कि आपका लंच का टाइम क्या है, आपका डिनर का टाइम क्या है, उसके बाद आता है आपने कितना खाया, ब्रेकफास्ट में कितना खाया, लंच में कितना खाया, डिनर में कितना खाया, और आपकी बॉडी को उसकी नीड है भी या नहीं है, या आपने बॉडी की नीड के लिए खाया या नहीं खाया, ये आपकी डाइट को अफेक्ट करता है, ये आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है। उसके बाद आता है आपने क्या खाया, यानी कि आपने हेल्दी खाया भी या नहीं खाया, आपने ब्रेकफास्ट में कितना हेल्दी लिया, लंच आपने कितना हेल्दी लिया, और डिनर आपने कितना हेल्दी लिया या हैवी लिया। तो ये चीजें आपकी डाइट को, आपकी आपकी लाइफ को अफेक्ट करती है। फ्रेंड्स, ये तीन चीजें हैं जो अगर हम अपने डाइट में शामिल करेंगे, जिनका हम ध्यान रखेंगे, तो वो आपको हेल्दी और मेंटेन रखेंगे। जैसे कि मैंने इन सब तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए आज एक डाइट चार्ट प्रिपेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वो फायदा पहुंचाएगा, और आप लोग इसको अपने फॉलो करके इसको अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को मेंटेन रखेंगे। सबसे पहले आता है मेरे डाइट चार्ट में सुबह अर्ली मॉर्निंग में आप उठेंगे, ग्लूकोज वाटर पिएंगे और आप फ्रेश होने को जाएंगे। उसके बाद में वापस आकर आपको अगर चाय पीने की आदत है तो टी के साथ आप बिस्किट या ब्रेड जरूर लेंगे, खाली पेट कोई भी लिक्विड नहीं लेते हैं, खासकर चाय तो लेनी ही नहीं है। उसके बाद आता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, दलिया है, खिचड़ी है, मैं आपको बोलूंगी स्प्राउटेड दालें जो होती हैं, चना है, मूंग है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है और बहुत हेल्दी भी है, इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रॉन्ग करती है। उसके बाद आता है पोस्ट ब्रेकफास्ट, उसमें आप नारियल पानी है, लस्सी है, फ्रूट है, जो आपकी इच्छा करती है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद आता है लंच। लंच में आपको दाल, चावल, रोटी, सब्जी और सैलेड और दही, ये चीजें आपको लेनी ही है, ठीक है। उसके बाद आता है पोस्ट लंच। पोस्ट लंच में क्या होता है, उसमें आपको चाय के साथ 8 से 10 मखाने अगर आप ले सकते हैं तो डेली लें, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, रिच कैल्शियम भी होता है और आपकी इम्यूनिटी पावर को भी मजबूत करता है। उसके बाद आता है मैं 6 o'clock आपको सूप बोलूंगी, जो कि कोरोना टाइम में बहुत जरूरी है। आप होममेड सूप लें, 1 cup लें, बहुत जरूरी है, डेली लें, ठीक है। आप 6 o'clock सूप ले लें, डिपेंड करता है आपके डिनर टाइम पे। आपका डिनर टाइम 8 o'clock है तो आप उस डिनर में बहुत ही लाइट चीजें लेंगे, जैसे कि आप क्या ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, वेज दलिया बनवाइए, लौकी टिंडे तोरे की सब्जियां खाइए, साथ में सैलड लीजिए, ठीक है, वो आप लेंगे। फिर आपको सोने जाने से आधा घंटे पहले दूध लेना बहुत जरूरी है। मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल्स। फीमेल्स को तो मिल्क जरूर लेना चाहिए रात को सोने से पहले, साथ में प्रोटीन पाउडर चाहे तो ले सकते हैं, नहीं चाहे तो ना ले, बट मिल्क जरूर पीना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पूरे दिन का एक हेल्दी डाइट चार्ट मैंने प्रिपेयर किया था, जो नॉर्मली शेड्यूल चार्ट भी बोलते हैं इसको। आप इसको मेरे वीडियो में अभी आप देखेंगे भी, आप इसको फॉलो कीजिए, 100% मत कीजिए बट 80% जरूर कीजिए, और हेल्दी रहिए। मेरी तरफ से आप लोगों को यही शुभकामना।